हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लर्निंग एंड टीचिंग यूनिट फोर्थ। जैसा कि लर्निंग एंड टीचिंग यूनिट फोर्थ हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसके अंदर हम अपनी थ्योरीज़ पढ़ रहे हैं यूनिट फोर्थ की, जिसमें पर्सनैलिटी की सारी थ्योरीज़ हैं और जिसमें हमने कुछ थ्योरीज़ पहले पढ़ ली हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी ऑफ क्रेट्समर। तो इनकी थ्योरी जो है वो किसके आधार पर है ये हम देखेंगे। इनकी थ्योरी शरीर की बनावट के आधार पर है, मतलब किस तरीके से शरीर की बनावट है उसी के आधार पर इन्होंने अपनी इस थ्योरी को, यानी कि पर्सनालिटी को वर्गीकृत किया है, क्लासिफाई किया है। तो इसके अंदर हम देखेंगे क्रेट्समर की जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। क्रेट्समर ने शरीर की रचना अथवा बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को चार भागों में बांटा है, मतलब इन्होंने चार भागों में क्लासिफाई किया है, जिसमें फर्स्ट है हमारा पैकनिक टाइप। तो पैकनिक टाइप बेसिकली क्या है, इस प्रकार के व्यक्तियों को मिलनसार अथवा गोलाकार कहा जाता है, मतलब मिलनसार कहा जाता है और गोलाकार कहा जाता है। गोलाकार के, इनके हाथ पैर छोटे, शरीर मोटा चर्बीयुक्त, सिर बड़ा, सामाजिक विनोद प्रिय, हंसी मजाक करने वाले, आराम तलब और प्रकृति से बहिर्मुखी होते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा इसके अंदर एथलेटिक टाइप। तो एथलेटिक टाइप में क्या है, इनके हिसाब से क्रेट्समर ने जो वर्गीकृत किया है उसके हिसाब से एथलेटिक टाइप है, इन्हें खिलाड़ी प्रकृति का माना जाता है। जैसा कि एथलेटिक वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये खिलाड़ियों से, यानी कि प्लेयर्स से रिलेटेड है, तो इन्हें खिलाड़ी प्रकृति का माना जाता है। इनकी मजबूत मांसपेशियाँ, मतलब इनकी स्ट्रॉन्ग मसल्स जो हैं, चौड़ा सीना, हाथ पैर लंबे, संतुलित शरीर, सुखी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, फुर्तीले होते हैं, आशावादी और समायोजित होते हैं। यानी कि आशावादी एक तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग वाले, फुर्तीले यानी कि लेज़ी नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, दृढ़ निश्चय मतलब बहुत ही ज़्यादा निश्चित रूप से कुछ भी कर सकते हैं, और जो समायोजित यानी कि एडजस्टमेंट की, वो किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये दो टाइप्स थे इनके। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर इनका थर्ड टाइप है इसका इनके हिसाब से एस्थेनिक टाइप। तो एस्थेनिक टाइप में क्या है, इस प्रकार के व्यक्ति निर्बल शरीर, उनका शरीर जो है वो निर्बल होता है और वे लंबे होते हैं। इनका सीना चपटा, पेट पीठ से लगा हुआ होता है, ये शर्मीले होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं और निराशावाद उनको ज़्यादा प्रिय होता है, मतलब ये निराशावादी होते हैं, ये आशावादी नहीं होते। इनके अंदर यही भावना रहती है, निराशा की भावना रहती है हमेशा। तो ये कैसे होते हैं, शरीर लंबा होता है इनका, निर्मल जो इनका जो शरीर है, व्यक्तित्व जो है इनका निर्मल होता है, इनका सीना चपटा होता है, पेट शरीर से लगा हुआ होता है, ये शर्मीले टाइप के होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, मतलब शांत रहने वाले, और निराशावादी। तो ये था हमारा इसके अंदर हमारा थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप है हमारा इसके अंदर डिसप्लास्टिक टाइप। तो इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर है, इन्हें मिश्रित व्यक्ति कहा जाता है, मतलब ये किस प्रकार के होते हैं, ये मिश्रित होते हैं, मतलब कई तरीके की मिक्सअप्स होती हैं इनके अंदर, मिश्रित व्यक्ति होते हैं। इनमें व्यक्तित्व के उपरोक्त तीनों गुण विद्यमान होते हैं, मतलब जो तीनों गुण होते हैं वो विद्यमान होते हैं। कौन कौन से आगे हम देखेंगे। क्रेट्समर ने इस वर्गीकरण को, मतलब इस क्लासिफिकेशन को अनेक मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, जिसमें सेल्डन भी थे, तो इन्होंने क्या किया, अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक नहीं पाया, मतलब जो ये एक थ्योरी है इसके अंदर क्या किया गया, अध्ययन के आधार पर, मतलब जो इन्होंने अध्ययन किया उसके आधार पर वैज्ञानिक नहीं पाया, और इस वर्गीकरण में उन्होंने अनेक दोष बताए, मतलब ये एक तरीके से साइंटिफिक नहीं था, और इसमें इन्होंने अनेक दोष बताए कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी के भी शरीर के आधार पर उसको, उसकी शारीरिक गुणवत्ता को देखकर हम उसकी पर्सनालिटी को क्लासिफाई कर पाएँ। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया, उसमें दोष बताए गए। इनका कहना था कि इस वर्गीकरण में हम मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों की व्याख्या करने में समर्थ हैं। इस वर्गीकरण से एक सामान्य व्यक्ति की व्याख्या, मतलब जो एक नॉर्मल पर्सन है, सामान्य व्यक्ति है, उसकी व्याख्या करने में असमर्थ है, जिसके परिणाम स्वरूप, मतलब अगर हम देखें कि असमर्थ व्यक्ति है उसकी हम इसमें व्याख्या नहीं कर सकते, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उन्होंने एक दूसरा सिद्धांत बनाया
जो कि उन्होंने 1940 ईस्वी में दिया। ये सिद्धांत भी शरीर के गठन के आधार पर ही है। तो नेक्स्ट थ्योरी, इसके अंदर जो क्रैट्समर की थ्योरी हमने देखी और इसके बाद हम सेल्डन की थ्योरी, जैसा कि हम देख चुके हैं, तो क्रैट्समर की थ्योरी है और इसके बाद जो थ्योरी हम देखेंगे वो इसी थ्योरी से मिलती जुलती है। आई होप आपको ये थ्योरी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।